करनाल के सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने आज यानी शनिवार को करनाल जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की है। आपको बता दें कि कोविड-19 के तीसरे चरण की वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से ये मीटिंग की गई है। इस मौके पर सीओ आयुष्मान भारत योजना के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ बातचीत की गई और कोविड-19 के तीसरे चरण के लिए जो वैक्सीन लगाई जानी है उसके बारे में विचार साझा किए गए। इस दौरान करनाल जिले के सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर व सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मौजूद रहे। सिविल सर्जन करनाल डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के अंतर्गत 55 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोविड-19 ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वह कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को भी तीसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए लोग कोरोना के टीकाकरण में अवश्य हिस्सा बने और स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सहयोग दें। इस मौके पर IMA से जुड़े डॉक्टर भी मौजूद रहे। ये जैसा आपको सबको विदित है कि हम 1 मार्च से भारत सरकार द्वारा डायरेक्शंस आई हैं कि जितने भी हमारे 60 इयर्स एंड प्लस पॉपुलेशन है उन सभी को कोविड वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त 45 से लेके 59 इयर्स तक जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिसमें कि एक लिस्ट ऑफ डिजीज़ दी गई है जो उसके साथ ग्रस्त हैं, उनको भी इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो, क्योंकि ये एक ह्यूज नंबर होगा, तो इसलिए केवल जो हमारे सरकारी संस्थान हैं उन पे ये सारा करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमारे जितने हमारे इसमें कौन से हॉस्पिटल हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे, तो उनको जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं हमारे, तो उनके सब साथ आज हमने एक मीटिंग करी है। उनको भी हम अपना कोविड के सेंटर्स इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएंगे और उन्हीं को सारी डायरेक्शंस आज हम दे रहे हैं कि कैसे वो किया जाएगा, किस तरह से अरेंजमेंट्स उन्होंने करने हैं। वो वैक्सीनेटर उनके होंगे, भारत सरकार द्वारा ये भी फिक्स किया जाना है, आज मोस्ट लाइकली शाम तक हो जाएगा। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स होंगे जो वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने जाता है वो चार्जेबल होगी, रेट जो है वो शाम तक जो है उसका फिक्स हो जाएगा, और जो सरकारी संस्थान जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है वो टोटली फ्री होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, ये अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग MD NHM और CO जो आयुष्मान भारत हैं वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ये सारी उसको डायरेक्शंस दे रहे हैं। इसके बारे में जो हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत के पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो अपने आप को उस कोविन ऐप पर रजिस्टर कराएंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस एज ग्रुप में है 60 इयर्स एंड अबव एंड 45 to 59 विद कोमॉर्बिडिटीज़ जो है कोविन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। उसके में उसका स्थान आ जाएगा कि कहाँ पे उसकी वैक्सीनेशन और कितने बजे होगी, और इसके अतिरिक्त वो उस सेंटर पे जो हम जिसके आप प्रेस के माध्यम से और हम डेली बेसिस पे बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, वो उस स्थान पे खुद भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकता है, उनकी ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। सर, कुछ लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर का माहौल भी है, इनको क्या कुछ सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे आप देख रहे हैं, हर जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स हैं सभी ने इसकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं। मैं खुद सेकेंड डोज भी ले चुके हैं और इंडिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी तरह की कोई भी किसी सीरियस AIFI की कोई अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और जो ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।